दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो अंडे गायब होते। कहाँ पे? ऊपर की साइड बता रहे हैं, दूसरे फ्लोर पे, वहीं से वो गायब हो गए थे। पीर साहब एक दिन रात में लोग आम पब्लिकों के बीच में जा रहे थे, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए थे। तो दोस्तों एक कम से कम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से कम ये 2 मंजिला नीचे, आप समझ सकते हैं पानी उस टाइम ऊपर तक रहता होगा। और ये पता अस्सलाम वालेकुम मैं दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त आपके अपने चैनल में सबकी मंजिल। आज आपको हैरानी होगी, मैं इतनी पुरानी जगह पे आया हूँ कि हमें भी ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए। हमने 3 रास्ते 4 रास्ते चेंज करे हैं, फिर जाकर हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज मैं आया हूँ फिरोज़ शाह तुगलक उनके शिकारगाह के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उनका शिकार करने का अड्डा था जहाँ पे आके वो शिकार कर देते, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता है एक टाइम पे, तो उन्हीं का ये शिकार का हुआ करता था, यहाँ पर आके शिकार किया करते थे। ये उन्होंने बनाया था 1391 से लेके 1388 के अंदर ही बन के तैयार हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है। अब इसका नाम पीर गायब हो चुका है, यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है बिल्ड बाय फिरोज़ शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 के बीच में बना था ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो शिकार करने आया करते थे। फिर उसके कुछ सालों, मतलब 150-200 सालों के बाद यहाँ पे एक पीर साहब बैठ गए थे आके, जिनका नाम था पीर गायब। उनका भी बहुत ख़तरनाक इतिहास है यहाँ के अंदर, इनका पूरा मज़ार बनाया हुआ अंदर साइड, अब उसे लॉक कर दिया गया। मैं आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी देता जाऊँगा पूरा दिखाते हुए, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ इसको पूरा, फिर मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों अब मैं आपको पूरा नज़ारा करता हूँ, चल रहा हूँ। ये 2 मंजिला बना हुआ है, नीचे भी इसके 2 कमरे हैं, ऊपर भी 2 कमरे हैं। नीचे कमरों पर सारी जाली लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये सीमेंट और बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। अब तो ये खंडल हो चुका है, इसे बने हुए कम से कम 600 से 700 साल हो चुके हैं। आप मान सकते हैं तुगलक को इसको ख़त्म हुए भी 600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये उससे पहले बना हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया 1491 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अंदर से करीब, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, ये सब कुंडी वगैरह सब लग चुकी है, अंदर ही सब गेट वगैरह है, ये कमरे हुआ करते थे, अभी पूरे तरीके से बंद हो चुका है। नीचे 2 कमरे हैं, ऊपर भी 2 कमरे हैं। अब सरकार की इजाज़त नहीं कि हम ऊपर का दिखा सके ले जाके, समझ रहे हैं आप। ये आप कमरा देख सकते हैं, ये पूरा आर पार है, एक खिड़की है, वो खिड़की आप सामने देख सकते हैं वहीं पर ही। और कहा जाता है जो पीर गायब थे ये यहाँ पर इबादत किया करते थे, दुआ मांगा करते थे। अब उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मालूम हुई नहीं है आसपास के लोगों से, लेकिन कहा करते थे कि वो लोगों का दुख दर्द सुनकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश किया करते थे। मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा कराता हूँ ऊपर की मंजिलों का दूर से जूमिंग करके, क्योंकि ऊपर से जाने का रास्ता बंद है, जीना लॉक हुआ हुआ है। मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ से वो रास्ता, लेकिन मैं आपको अभी देखिए दोस्तों, ये ऊपर की 2 मंजिल हैं, आप देख सकते हैं पूरी, जिसे बंद कर दिया गया था किसी वजह से, सरकार ने बंद कर दिया इसे। और ये पूरा रास्ता है इसका, ये इधर भी अंदर कमरा है एक, आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराना तुगलक वंश का बना हुआ है पूरा, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको इसका बैक से दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये पूरा खंडर हो चुका है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर की 2री मंजिल बनी हुई है पूरी, और ये पीछे से हमारा एरिया है पूरा, आप देख सकते हैं।
ये सब खंडर हो चुका पूरा, ये सब देखिए ऊपर से भी आप देख सकते हैं, ये अब पूरा खंडर टाइप्स का हो चुका पूरा। देखिए दोस्तों, मैं इस टाइम बिल्कुल इसके बिल्कुल बैक साइड में खड़ा हुआ हूँ। ये दो रास्ते बने हुए हैं जीने, ये ऊपर जाने के बिल्कुल आप देख सकते हैं, ऊपर तक जाने का रास्ता है, लेकिन इस पर चढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा गैप दे चुके हैं जिसकी वजह से आम पब्लिक ऊपर ना जा सके। अब मैं आपको पीर गायब के बारे में बताना चाहूँगा, जो यहाँ बैठा करते थे वो यहाँ इबादत किया करते थे। एक दिन लोगों के साथ वो यहीं बैठे हुए थे तो अचानक से वो उठ के दूसरी मंजिल की तरफ जाने लगे, जहाँ पर लोग आम पब्लिक ये हैरान होंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं उठ के। तो वो उनके पीछे पीछे चलते रहे, तो वो अचानक से दूसरी मंजिल पर जाके उसके एक कमरे में जाके वहीं से वो गायब हो गए। आम पब्लिक ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनका नाम ही पीर गायब रख दिया गया था। और दोस्तों, इसके बराबर में ये चार कब्रें भी दे रखी हैं, लेकिन ये किनकी कब्रें हैं इसकी कोई मालूमात ना तो गूगल पे है ना किसी इतिहासकार को पता है। मैं आपको अंदर से इसका थोड़ा नज़ारा कराऊंगा खिड़की में से ही, क्योंकि चारों तरफ से लॉक लगा हुआ है, मैं अंदर से आपको नज़ारा नहीं करा सकता, लेकिन मैं विंडो के अंदर से ही मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि अंदर है क्या चीज़। चलिए, चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको अंदर का नज़ारा कराता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं अंदर आपको खिड़की तक लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज तक चारों तरफ से ये चीज़ लोक है। जैसे कि मैंने बताया था, ये तीनों कब्रें हैं चारों, आप देख सकते हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, ना गूगल पे है ना किसी इतिहासकारों के पास है। ये किसकी कब्रें हैं? ये हमारे पास एक विंडो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका अंदर से नज़ारा कराता हूँ पूरा। ये देखिए, ये पूरा अंदर से लोक है, अंधेरा है पूरा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी रोशनी डाल के मैं आपको अंदर से दिखा सकूँ। आइए, मैं आपको रोशनी से थोड़ा नज़ारा कराता हूँ। आइए देखिए, ये अंदर एक कमरा सा है जहाँ पे हमारे जो पीर गायब थे, जो वली थे या कुछ थे, हमें इसके बारे में जानते नहीं है, वो अंदर बैठ के यहाँ दुआ करा करते थे, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी पूरी जानकारी दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक शिकारगाह हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक का, तो यहाँ पे वो आराम करने आया करते थे शिकार करने के बाद, तो उन्हें पानी की ज़रूरत हुआ करती थी, ठीक है। तो यहीं पर ही पास में ही एक बावली बनवाई थी उन्होंने, यहाँ से कुछ ही दूरी पर। मैंने आसपास के लोगों से पूछा है, अब तो आसपास यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल भी बन चुके हैं, लोग बाहर रहते भी हैं, यहाँ पर उनके पूरी कोठी वगैरह बन चुकी हैं, पहले उस टाइम पर ही पूरा जंगल हुआ करता था। मैं आपको उनकी बावली तक भी लेके जाऊंगा, उनकी जो बावली उन्होंने अपने लिए बनवाई थी, वो अभी आज सुनने में मुझे पता चला है कि वो ओपन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी नज़ारा करवा सकूं। अगर नहीं करवा पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका नज़ारा करवाऊँ। अरे यार, ये सलमान भाई, अरे मिल गई, यहाँ से जाना पड़ रहा, कहीं एंट्री नहीं मिल रही, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ से भी जाऊँगा। बिल्कुल देखिए, हम अंदर की साइड जाते हैं, मैं ध्यान से चढ़ी भाई, एंट्री नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कोने से निकल के जाना पड़ता है। ध्यान से देख, आप देख सकते हैं, यही वो बावली जिसकी मैंने आपसे बात की थी, ये पूरा एरिया है। अब यहाँ से हम उतर के अंदर जाना पड़ेगा, पूरी बावली के अंदर, मैं आपको नज़ारा करा। सो दोस्तों, फाइनली मैं अंदर की साइड आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मैं जाला कूद कर आया हूँ अंदर की साइड। मैं आपको वो बावली दिखाता हूँ जिसकी बात मैंने आपसे की थी, जो फिरोज़ शाह तुगलक ने बनवाई थी अपने शिकारगाह के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए। मैं आपको नज़ारा कराता हूँ, देख सकते हैं, यही वो बावली है, वो उधर से इसका जीना नीचे उतर के आने का, वहाँ से लोग बाहर आकर पानी लिया करते थे अपना, अभी भी इसके अंदर पानी है 700 साल होने के बावजूद भी, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी गहरी होगी अंदर से, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा आगे से नज़ारा कराने की। चलिए देखो दोस्तों, मैं जीने से थोड़ा नीचे उतर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके, आप देख सकते हैं ये वो बावली है पूरी, आप देख सकते हैं पेड़ों की कैसी जड़ें हैं इसके अंदर से निकल रही हैं, और ये वो पानी है पूरा, आप ये देख सकते हैं, ये अंदर से बहुत गहरा अभी भी, ये पूरी वहाँ पे लोग पानी पीने के मारे बैठते होंगे अंदर, वो रास्ता इसका पूरा टूटा हुआ है ये, और इस साइड से ऊपर की साइड से जीना आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जीना आ रहा है, और ये पूरा ये बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं,
ये इतनी पेड़ों की चोरी चोरी जड़े हैं इसकी, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कम से कम इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से कम ये 2 मंजिला नीचे है, आप समझ सकते हैं पानी उस टाइम ऊपर तक रहता होगा, और ये पता नहीं वो नज़ाने कितनी गहरी होगी अंदर की साइड, समझ सकते हैं आप। तो चलो दोस्तों मैंने आपको बावली भी दिखाई है और फिरोजशाह शाह तुगलक का वो शिकागा भी दिखाया, अब मैं आपको इसकी लोकेशन बताने जा रहा हूँ। इसकी लोकेशन है बिल्कुल बाड़ा, बाड़े के अंदर जो हॉस्पिटल है हमारा बाड़ा राव करके हॉस्पिटल है, बावली तो जस्ट उसके बराबर में ही, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही हॉस्पिटल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाड़ा राव हॉस्पिटल है इसका नाम, ठीक है, ये उसके जस्ट बराबर में ही है। और जो शिकारगाह है यहाँ से पैदल भी आप चलोगे तो 2 मिनट का रास्ता होगा, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है वहीं पर ही। चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं अलविदा कहता हूँ, मैंने आपको फिरोजशाह तुगलक का शिकारगाह दिखाया यानी कि पीर गायब का इबादतगाह दिखाया मैंने, जहाँ पर वो इबादत करते थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो के बारे में प्यार से कमेंट जरूर दीजिए, और इस आरामगाह के लिए यानी कि शिकारगाह के लिए एक प्यार से कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।